हिंदुस्तान का टैलेंट है। हर लोगों को मैंने कोशिश की, भारत के मजदूरों तक दो दो हजार रुपया हम पहुंचा पाए, प्रयास किए। हमारी उतनी औकात नहीं थी, लेकिन 40-40 किलोमीटर साइकिल से पैदल जिस देश के पीएम को कोटा से अपने बच्चों को लाने की औकात न हो, पप्पू यादव को ट्रेन भेजना पड़े, पप्पू यादव को बस भेजना पड़े, देश के मुख्यमंत्री को अपने बिहार जिस देश के जिस बिहार के जिस विधानसभा के विधायक को वोट खरीदने के लिए 1 लाख रुपया मुखियादी वार्ड सदस्य का होता है उनके पास, लेकिन अपने विधानसभा के बच्चों को लाने के लिए 10 बस न हो, ऐसे मुर्दों को जिंदा रहने का राइट है। इस कंट्री का मजदूर चाणक्य से चेन्नई से लेकर के दिल्ली से पैदल मर जाए, 350 मजदूर रास्ते में मरे, लाश उठाते उठाते हम थक गए, दूसरे बार 750 लाश अपने हाथ से जलाए, हर जगह ऑक्सीजन और रेमडेसिविर सुई पहुंचाना पड़े। अभी यूक्रेन में क्या हुआ, क्यों जाते हैं हमारे बच्चे यूक्रेन पढ़ने के लिए, विदेश पढ़ने के लिए? भारत में 40 लाख से 50 लाख में एक मेडिकल हम कर सकते हैं, हमारी औकात नहीं है 40 लाख खर्च करने की। कहां से मेडिकल होगा? इंजीनियरिंग और एमबीए करने में हमको कम से कम 15 से 20 लाख रुपया खर्च होता है, कहां से हमारे माँ बाप देंगे? 4000 रुपया, बहुत मुश्किल से 5000 रुपया हमारा बाप माँ मजदूरी करके, या 2 बीघा 1 बीघा 1 कट्टा 2 कट्टा बटेदार बंधुआ मजदूर दयारी मजदूर या खेतिहर किसान या छोटा छोटा दुकान, बहुत मुश्किल से 5-6 हजार रुपया अपने बच्चे और बेटी को बेचते हैं, और वह बच्चा बाजार में समोसा नहीं खा पाता, 3500 रूम रेंट, 1500-1600 में खाना, 100-150 रुपया उसके जेब में नहीं बचते हैं। कभी पिता से मांग ले तो इतनी गालियां सुनता है वो बच्चा, क्या पढ़ेगा? हम सिर्फ फीस के डर से बाहर जाते हैं, पूरी दुनिया के बच्चे हम मंगा लिए गए, बिहार का बच्चा हिंदुस्तान का बच्चा आज तक 450 से ऊपर 4000 से ऊपर बच्चा वही है। कैसा पिए औकात क्या है? सत्ता और सियासत के लिए बोलते हो कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा, हमने तो कहा 4800 विधायक है पूरे देश में, मात्र 1300 विधायक है भाजपा का, 6 विधान स्टेट में मात्र सरकार है भाजपा की, मात्र कहीं 0 कहीं 13 कहीं 14 कहीं 8 कहीं 7 हिंदी भाषी इलाके में जहां ज्यादा नफरत पैदा करते हैं, जहां ज्यादा गरीबी है वहां वोट आप चुराते हैं खरीदते हैं, और वहीं से 200-250-300 एमपी बन करके। हम तो चाहेंगे इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को एमपी एमएलए ना चुने, पूरे देश और बिहार का जनता अपने मुख्यमंत्री को चुने, तो औकात का पता चल जाएगा कि विधायक ये जो पैसा के चलते जो औकात ताकतवर विधायक सबको बुला करके जीत जाते हो माफियाओं को, जब मुखिया का चुनाव होगा वोट से नगर निगम और नगर पालिका का, इस देश के प्राइम मिनिस्टर और सीएम का भी चुनाव विधायक एमपी से नहीं हो, जनता उसको तय करे कि कौन मेरा पीएम होगा। नेपाल से झारखंड और यूपी से बंगाल ये तय कर देगा, करने दो गरीब को आम आदमी को। इसीलिए अब नौकरी आपको मिलेगी क्या? बैंकिंग में अब नौकरी तो गई, एग्जामिनेशन गया, भारत की लगभग नौकरी गई, सब कुछ प्राइवेट में चला गया। आपके पास 3 नौकरी है, एक है आर्मी, दूसरा है सिपाही,
तीसरा बचा रेलवे। अभी रेलवे एनबीसीसी की लड़ाई हमने लड़ा, क्या किया इन लोगों ने? जब कोई भी संविधान क्या कहता है, जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसको बीच में आप उसके नियम को नहीं बदल सकते। क्या किया इन्होंने? ग्रुप डी में छोड़िए, इधर देखिए कौन फेर में उसके फेर में। यही तो दिक्कत है बिहारी और इस देश के लोगों का। सांप नचाने वाला आ जाए कोई बंदर तब भीड़, जेसीबी लग जाए तब भीड़, चोर सब आ जाए तब भीड़, हम गए दूसरा आ जाएगा तब उसका जिम्मेदार। छोड़िए ना इसको, वो उसका अपना काम है, वो पैसा ले रहा है। आप हमको सुनिए, हम आप उससे ज्यादा ना सुंदर है, हमको देखिए, हमारी बात सुनिए। लड़िएगा कब? तीन बार आर्मी की बहाली हुई और तीनों बार आर्मी की बहाली कैंसिल हो गई। कब आप जाइएगा कहां? पकोड़ो खाने वाला जेब में पैसा होगा तभी ना पकोड़ा, वो पैसा खत्म हो गया। रजौली में तो गरीबी ज्यादा है ना, यहाँ माफिया ज्यादा है। इधर पहाड़। अब आप सोचिए, ग्रुप डी में आप यहां जितने छात्र हैं सुनिए, ग्रुप डी में दो मामला था, एक था फिजिकल और मेडिकल। अब उसमें दो कानूनी बना दिया मोदी जी, मेंस और भाभा। ये गरीब के जो बच्चे हैं ग्रुप डी में, मेंस और भाभा कहां से करेंगे? जरा सोचिएगा, ग्रुप डी में हमको मेंस लीजिएगा, बाबा लीजिएगा। आप फिजिकल और मेडिकल पर नहीं, आप हमको ग्रुप डी में लाते थे हो, तो हम लड़ाई लड़े तो बोल दिया 10 मार्च के बाद सब ठीक हो जाएगा। रेलवे पर बड़ी गोली चली, फिर भैया अब तो नौकरी है नहीं। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा आप सबसे, हम क्या करेंगे पता है? कहता है नौकरी नहीं है, हम कहते हैं रोजगार है हमारे पास। जितना बालू पहाड़ का टेंडर होता है ना 300-400-3000 करोड़ का, हम सबको 20 लाख का टेंडर करेंगे, अब ब्लॉक में करेंगे, समझे? और क्या करेंगे सोच सुनिए, इंटर से एमए किया हुआ जो जिसके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला बीए किया हुआ बेरोजगार यूथ होगा 40 के नीचे, वो 20 लाख का टेंडर उसी यूथ को मिलेगा। एक को सुधर सबको भी एमपी एमएलए के पोता पोती में जुड़ेंगे, समझे? ये जो 1000 और 400 करोड़ का टेंडर करता है पैसा खाने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, न 1000 करोड़ का टेंडर होगा, न पप्पू यादव जैसा माफिया खरीदेगा। 20 लाख का टेंडर, टेंडर में इंटर एमए बीए किया हुआ 40 साल के नीचे वो लड़का जिसका कैरेक्टर कंप्लीट साफ हो, यदि उसके पास उस 20 लाख का टेंडर लेने के लिए नहीं होगा पैसा, तो हम बैंक से बिना सूद ब्याज का दिलाएंगे और साल भर के अंदर बिना सूद ब्याज का वो पैसा लौटा देगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। सूद ब्याज हम जानेंगे 20 लाख का, समझे? एक काम नहीं है, मास्टर साहब को सब काम में लगा दिया, जनगणना में, दारू में मरेगा ना बेचारा। अब कह रहा है कि जो दारू पिएगा उसको छोड़ देंगे, लेकिन बताना होगा दारू कहाँ पीते। अब जो हम बताएंगे कि पप्पू यादव के घर में पिए थे, बड़का बड़का माफिया का नाम क्या हो जाएगा, पागल होता है, कहां से दारू बदलाए?
आई नेताजी लोग यहाँ बैठा रहे, आईनी में से किसी का नाम बताएंगे तो सला दगाएगा नहीं। नीतीश जी कौन कौन के पाठक के बात पर कितना चल गया, मार लाठी ठीक कर देगा, ये हम लोग के भगवान लोग को बैठा रहे तो कहाँ बताएंगे मास्टर। तो जनगणना का काम हम देंगे यूथ को जो बेरोजगार है, और जितना देर वो काम करेगा उतना उसको रोजगार देंगे। तो मास्टर एक ही काम ना करेगा पढ़ाने का, चुनाव का काम भी हम यूथ को दे देंगे, मास्टर को नहीं देंगे, तो उसमें भी उसको पैसा हो जाएगा। काम की कमी नहीं है, हम रोजगार क्यों नहीं देना चाहते हैं ये सवाल है, समझे। जमीन भी है मेरे पास, हम लड़के को लोन भी दे करके जो जिस जाति धर्म पर का निषाद है, केवट है, बिंद है, मला है, मांस मारने का काम, जाल का काम, लोहा का काम, उसी में उसको पैसा दिलाएंगे और उसी से उसको रोजगार करेंगे। मखान है तो देश में इच्छा शक्ति की कमी। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आजादी की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, लोकतंत्र खतरे में है, हालात अच्छे नहीं है, पूरा देश फंस गया है पैसे वालों के चंगुल में, 2 करोड़ का स्कूल बनाते हैं, 50 करोड़ का मार्केटिंग करते हैं, वो 50 करोड़ रुपया आपका होता है, और मार्केटिंग के बदौलत हम एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं, वासी पोर्टल निर्माण निर्माण गाय चश्मा गोला गाय और वासी पोर्टल निर्माण निर्माण जैसे आप टीवी पर देखें वही आपको दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, और आपको लगता है यही सही है। इसीलिए आने वाले यूथ के भविष्य को चिंता करनी होगी। मैं क्षमा मांगते हुए, चूंकि क्रिकेट का 4 कौन सी ओवर बाकी है, अब क्रिकेट क्रिकेट का खेल तो समझिए जो सबसे पैसा वाला देश है वहां होता है, और हमारे यहाँ चूंकि टीवी पर और बाजारों में क्रिकेट को दिखाया गया, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, रस्सा कसी, तैराकी, ये सब खत्म। हमारे देश में पत्रकार जी लोग हैं तो सुन लीजिए, खेल पर कोई बजट नहीं है, सुनिए, और हमारे कंट्री में पढ़ाई पर कोई बजट नहीं है। जीडीपी का मात्र 3-4%, दूसरा कंट्री 13-14% जीडीपी का बजट लाता है हेल्थ पर और एजुकेशन पर, मेरे यहां 5-6% भी हेल्थ पर बजट नहीं है। हम जिस दिन आएंगे इन 2 चीजों को मुक्त करेंगे आम आदमी से, पहला कोई भी जांच हेल्थ का, कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, और जिसके पास जमीन 1 कट्ठा भी नहीं है उसका पूरा जांच हमारी सरकार फ्री करेगी, 1 रुपया नहीं लगेगा। वाह, कोई अति सुंदर। जितना पैसा हम विधान परिषद में लगाते हैं, ये चोर सब को जिताने, विधान परिषद को हम बंद कर देंगे, उसका सारा पैसा हम रजौली के स्कूल बना करके आम आदमी का एजुकेशन फ्री करेंगे। वन नेशन वन एजुकेशन, कंपल्सरी और कॉमन एजुकेशन, राष्ट्रपति और पीएम का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा जहां पढ़ेगा, और एमएलए एमपी का बेटा, जिसके पास जमीन नहीं है उस गरीब का बेटा भी वहीं पढ़ेगा। और जिस दिन हम 1 पढ़ाई कर देंगे, गरीब का बेटा टॉप करेगा और पप्पू यादव का बेटा फेल करेगा। ये लिख लो आप, गरीब का बच्चा अपनी जिंदगी जीने के लिए
अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। अमीर का बेटा गरीब पैदल चलता है 100 किलोमीटर खाना खाने के लिए, और अमीर का बेटा या बाप भोले भोले दौड़ता है खाना पचाने के लिए। कहाँ दौड़ रहा हो, रात में 2 पीस मुर्गा ज्यादा खा ले। गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा को पूछिएगा, वो बाप है खेत में कड़कड़ाती धूप में, तो बेटा कहीं पहाड़ के बीच अपनी बहन की चिंता कर रहा कि मेरी बहन को कपड़ा कहाँ से आए, मेरा छोटा भाई खाएगा कहाँ, मेरा मंझला भाई पढ़ेगा। इस देश को हेल्थ और एजुकेशन को फ्री करने की जरूरत थी। दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा हेल्थ और एजुकेशन भारत में, और आप ही नेता से पूछते नहीं है क्यों, क्यों हेल्थ और एजुकेशन सबसे महंगा और सबसे ज्यादा गरीबी का कारण है। एक घर में 5 परिवार है तो 4 बीमार रहता है, माँ बीमार, छोटा भाई बीमार, कभी बाप बीमार, पता चला दवाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं, डॉक्टर के पास जाइएगा तो 10 जांच लिख देगा, 3000 उसमें चला गया। कमाई कितना है एक महीने की हमारी, 800 रुपया। नीतीश जी का सरकार कहता है 3000 और भारत सरकार कहता है 800 से 1800 रुपया। दुनिया की सबसे ज्यादा गरीबी बिहार, नीति आयोग कहता है हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं, सबसे ज्यादा निरक्षर बिहार, सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है तो दुनिया में बिहार। समझिए, आप जानवर की तरह जिंदगी जीते हैं और ये नेता लोग आपको जानवर समझने लगे हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, पैसा कमाओ और चुनाव के वक्त पैसा देकर के वोट जात पात करो, काटो हिंदू मियां को काटो, जादव राजपूत बाभन भूमिहार कुर्मी भूमिहार भूमिहार कुर्मी करो, बनिया चौधरी कलवार शाह दलित गैर दलित करो और वोट लो। मस्त है ये नेता लोग और ये सिस्टम, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको सोचना चाहिए गंभीरता से। मुझे अच्छा लगता है रजौरी आने में, मैं दिल से कहता हूं, मैं पहली बार भी बहुत पहले 80-84 में झारखंड में लड़ने जाते थे, हमको कई बार बगल में हजारीबाग जेल में मीसा लगा के बंद कर दिया, एक बार 85 में, एक बार 88 में, फिर 91 के बाद मंडल कमीशन के बाद, तो बड़ी लड़ाई हमने देखी। हम आज भी आपसे कहते हैं कि आप यहाँ के लोग बहुत भले हैं और दिल के सच्चे हैं, कोई बेचारे आपको लोग ठगते हैं, भोला भाला समझ के आपको लोग ठगते हैं, आप लोगों में घुरफंदी और दुष्टई नहीं है, बस आपको मौका नहीं मिलता है। इसीलिए ये जो लोग हैं यहाँ एमएलए एमपी, वही लोगों को लगता है कि हम ही लोग सबसे बड़ा मर्डर हैं, तो ये जो गेम है इस गेम पर कोई बजट नहीं है। पूरे बिहार में 2% भी फिजिकल टीचर नहीं है, दुनिया में कुश्ती लड़ने के लिए 1 गद्दा नहीं है, हॉकी में जब हम दुनिया को जीते थे तो ध्यानचंद को जूता नसीब नहीं हुआ था भारत में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नाम करने वाला ध्यानचंद जूता नहीं मिला, भारत के 1 अमीर लोग जूता नहीं दे पाए, सबसे ज्यादा भारत में 7 कबड्डी जीता और कबड्डी के खिलाड़ी को दूध नसीब नहीं हुआ, मैच हो गई कबड्डी, हम कभी भी ओलंपिक में नहीं जाते हैं। अभी हॉकी को यदि उड़ीसा का मुख्यमंत्री गोद नहीं लिया होता नरेंद्र मोदी, इतना सुंदर
जब भाला फेंकने में हम फर्स्ट कर जाएंगे। हेलो सेल्फी ले रहा है दोनों का। पूजा करने जाएगा उसका भी सेल्फी। उत्तराखंड गए टोपी पहनी, हिमाचल गए दूसरा टोपी पहनी, बंगाल गए गाड़ी बढ़ा ली, उत्तर प्रदेश गए चंदन टीका लगा के नदी में डुबकी लगा ली। अरे बाप, आज तक दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा जोकर देखे नहीं, क्या बात है। अब एक के तो ड्रेस बाकी है इस नरेंद्र मोदी को, क्या हुआ पायलट का ड्रेस ही सुनो ना, क्या बात। हाँ, चार दिन पहले रविवार था, स्कूल ड्रेस पहन के लड़की के साथ बैठ के ट्रेन में जा रहा था, बोला सर आज रविवार, कल रविवार है, कल के आज स्कूल बंद है। एक तो होम मिनिस्टर है, बोला इंटर के बाद आपको मैट्रिक करते। एक तो इसका मंत्री है, बोला 2008 में सीरिया से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने रिस्क्यू किया था। अरे दादा 2014 में पीएम बना, 2008 में कहां से भैया। बड़ा विचित्र है, इतना झूठ खड़े। हम जिस दिन आएंगे स्कूल में फिजिकल मॉरल एजुकेशन 7 क्लास तक कंपलसरी करेंगे। मॉरल एजुकेशन में पास नहीं करेगा तो 7 क्लास तक बच्चा क्लास पास नहीं करेगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनाना इसलिए मॉरल एजुकेशन की 7 क्लास तक जरूरी है। 7 से 12 क्लास तक हम फिजिकल को कंपलसरी करेंगे। एक गेम में उसको पास करना पड़ेगा, अन्यथा वो पास नहीं होगा। जो 1 to 10 के गेम में जो लड़का आएगा उसको 1 to 4 में हम सरकारी नौकरी देंगे, और 5 से 10 के बीच उसको 20 लाख बैंक से रोजगार करने होंगे। गेम को सबसे ज्यादा फिजिकल बढ़ाई देंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो। 1 to 5 में बिहार आज तक एक भी जो बिहार से बाहर बस गया और क्रिकेट खेल रहा है वो तो एक दो छोड़ा गया। बिहार में कहा क्यों नहीं क्रिकेट है, कहा नहीं क्रिकेट में बिहार में प्रतिभा नहीं है क्या। तो इसीलिए इस देश के ना को मुख्यमंत्री को ना प्रधानमंत्री को खेल से चिंता है, ना बजट है। हम जिस दिन आएंगे इस बिहार दुनिया देखने आएगी, बिहार का स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल से कई अरब गुना ज्यादा खूबसूरत होगा, और वहां दुनिया की सबसे अच्छी टीचर होगी। कोई कंप्रोमाइज अपने बच्चों के जीवन से मर जाएंगे नहीं। और रजौली में जो अस्पताल होगा वही हार्ट का इलाज होगा, वही सीटी स्कैन, वही एमआरआई, वही अल्ट्रासाउंड होगा। किसी को नवादा, पटना और दिल्ली नहीं जाने देंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई में 1 रुपया अमीर और गरीब किसी को नहीं लगेगा। ऐसा हम लोग मजे में सब कुछ चोरी करके खाते हैं। हम अपना 3 हिस्सा चोरी रोक दें तो बिहार की जनता का सारा गरीबी दूर हो जाएगा, याद रखिए। आप लोग गरीब हैं चोरी के कारण। जितना एक मंदिर में पैसा है उतना भारत का बजट नहीं है, याद रखिएगा। मंदिर, गुरुद्वारे, सिद्धी के साईं बाबा, मस्जिद, खरबों खरब रुपया। पुजारी को 200 करोड़ का सोना, 400 करोड़ घर में। भारत का बजट उतना नहीं है जितना भारत के मंदिर में पैसा है, और हम गरीब हैं। 4 सालों में अदानी दुनिया का नंबर 1 हो गया, अंबानी नीचे, और आप 8 सालों में दुनिया में जहां गरीब थे उससे भी ज्यादा गरीब हो गए। बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, आज जो व्यापार करता है रजौली में छोटा, जो 10,000 रुपया कमाता था वो 4,000 पर आफत हो गए, याद रखिएगा।
मुनाफा देखने के लिए व्याकुल हो गया, अब ज्यादा मुनाफा नहीं दिख पाता है, इसलिए मिलकर लड़ने की जरूरत है। क्रिकेट का आनंद लीजिए, दोनों टीम के कप्तान को हृदय से बधाई, सारे प्लेयर को, जानदार और शानदार मानवर और बंधुवर भाइयों को बहुत धन्यवाद। आज इस फील्ड के आप हीरो और दुल्हा हैं, आप मुस्कुराते हुए खेलिए, आपके जज्बे को सलाम। जो हारेंगे वो फिर जीतेगा, जो जीतेगा फिर हारेगा, हार जीत लगी रहती है। आप चेरे बीता बस टीम भावना से और मानवता और इंसानियत के लिए खेल को खेलिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो। मैदान में खेल को देखिए और आपसे विदा जाना चाहूँ, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। खेल शुरू करिए रेफरी महोदय, शुक्रिया मालिक। और जो भी दर्शक है अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और अब खाली कर देंगे जो भी दर्शक। बस कुछ ही समय का ये मैच बचा हुआ, कुछ ही ओवरों का जीत के मैच तैयार कर सकता है, उसके बाद फिर से आप लोगों को मौका मिलेगा सुनने का। अब जल्द से जल्द मैच आरंभ करवाएंगे, हमारे दोनों अंपायर जा चुके हैं ग्राउंड में, दर्शक अब आराम से अपने जगह पे चले जाएंगे जहाँ जहाँ वो बैठे थे। दर्शकों से अनुरोध होगा कि क्या हो जाए ग्राउंड, हेलो कृपया शांति बनाए, दर्शकों से अनुरोध है कृपया बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे। अभी आपके बीच हेलो हेलो आदरणीय पप्पू यादव का यहाँ का जुआ का संदेश, लेकिन मैं पटना से बहुत से हमारे अतिथि आए हैं, मैं उनका रजौली के पावन धरती पर उनका हार्दिक स्वागत।